हेलो, आई एम बैक अगेन कार्तिक दीवान दिस साइड। एक बार फिर कार्तिक दीवान आ चुका है आपका एक ऑब्जेक्शन और क्लियर करने, जिसका नाम है मेरे घर वाले नहीं मानते, है ना। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो गए, आप एफिलेट मार्केटिंग के अंदर हो गए, एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखो, प्रोस्पेक्ट को काम समझाना दुनिया का सबसे आसान काम है। 5 साल के बच्चों को भी बताओगे वो भी बता देगा कि भाई ये बताना है, इसको बताना है। मगर असली गेम आता है काम समझाने के बाद, जब बंदा अपने ऑब्जेक्शन लाता है और लोगों को लगता है कि वो जेन्युइन ऑब्जेक्शन है। भैया वे जेन्युइन ऑब्जेक्शन नहीं है, बंदा गोली दे रहा है, बंदा एक्सक्यूज दे रहा है। बहुत लोग कहते हैं सर कुछ लोगों के तो जेन्युइन एक्सक्यूज भी होते। नहीं होते भैया, जेन्युइन प्रॉब्लम किसी की नहीं होती। बात ये होती है आपने उसको वैल्यू ही नहीं दिखाई। अब वो कैसे चीज होगी वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और एक बात और, अगर ये वीडियो आज आपने पूरी देख ली, एक बात की तो मैं गारंटी देने के लिए रेडी हूँ आपको कि मेरे पास यानी मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना, ये ऑब्जेक्शन आज मैं आपका ऐसा क्लियर करके भेजूंगा। डायरी पेन लेके बैठना, वीडियो को पॉज कर लो, डायरी पेन लेके बैठो, एक एक चीजें नोट डाउन कर लो, एक एक आंसर बताऊंगा, एक एक शब्द बताऊंगा, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और थैंक यू सो मच यार, मेरी लास्ट वीडियो जो 2 दिन पहले ही आई खाली, है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज मैंने बनाई है, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्शन क्लियर किया मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, अब मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, अगर देखी नहीं है तो देखो। यानी उस पे 2 दिन के अंदर 1000 व्यू आए, लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा मैंने शेयर भी नहीं किया तब भी लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। तो मुझे लगता है कि सब लोगों की डिमांड एक ही है कि सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज जो है ना वो कंटिन्यू करो। ठीक है, सो मैं आ चुका हूँ नए ऑब्जेक्शन के ऊपर, जिसमें लोग क्या कहते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट आपको क्या कहते हैं कि सर मेरे घर वाले नहीं मानते, है ना। मेरे घर वाले नहीं मानते, मैं क्या करूं। आपने बिजनेस प्लान बताया, आपने वेबिनार की रिकॉर्डिंग भेजी, या आपने लाइव वेबिनार के अंदर बिठाया, या आपने सेमिनार के अंदर इनवाइट किया, एक ही चीज आती है सारा काम समझने के बाद बंदा एक ही चीज कह देता है, नहीं होगा सर, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी नहीं मानेगी। इसका आंसर क्या करना है, मेरी एक बात समझना। अगर कोई इंसान आपको ये कह रहा है तो पहली चीज तो ये है, या तो उसने घर वालों से पूछा नहीं है, 2 कंडीशन मिलेगी आपको, या तो उसने घर वालों से पूछा नहीं है या फिर उसने पूछ लिया। ऐसे भी लोग हैं कि जो घर वालों से बात तक नहीं करते और वो आपको बताऊं क्या कह देते हैं कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। ये चीज है। अब इसके अंदर केस क्या है मैं आपको समझाता हूं। कहीं ना कहीं अगर जो आपको गोली दे रहा है ना, जो कह रहा है मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे, तो अगर आपको जांचना है ना कि ये इसने घर में बात की भी है या नहीं की है, उसको एक लाइन कह दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपके घर वाले नहीं मान रहे। इसके अलावा कोई और डाउट क्वेश्चन है, एक चीज़ और, मेरी बात सुन लो बड़े ध्यान से, कहीं ना कहीं मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, जब भी आप चैट के अंदर कॉन्वर्सेशन करते हो, चैट के अंदर कभी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करते, भूल के भी मत करना। दूसरी चीज़, चैट के अंदर अगर बंदा आपसे एक चीज़ पूछ रहा है मेरे घर वाले नहीं मान रहे, कोई भी ऑब्जेक्शन दे रहा है, जिंदगी में कभी क्लियर मत करना। अब हैंडल कैसे करोगे, किसी ने कह दिया आपको चैट में, आपने लाइव वेबिनार में उसको इनवाइट किया या वीडियो भेजी, और उसके बाद प्रोस्पेक्ट का मैसेज आया कि सर काम मुझे समझ में आ गया बट मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, या मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे। ठीक है, उस केस में आपको क्या कहना है, कैसा रहेगा अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको चैट के अंदर लिखना है खाली कि कैसा रहेगा आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कॉल के ऊपर भी बोल सकते हो, बड़ा ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। आपने क्या किया, वो निगेटिव था उसको निगेटिव में पॉजिटिव किया। जब तक निगेटिव से पॉजिटिव नहीं करोगे तब तक उसके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। निगेटिव आदमी को आप कितनी भी रामायण सुना लो उसके समझ में नहीं आएगी। नास्तिक आदमी को आप महाभारत के कितना भी ज्ञान दे दो उसके समझ नहीं आएगा। आएगा किसको, पहले उसको नास्तिक से आस्तिक बनाना पड़ेगा, तब उसको महाभारत का ज्ञान देना पड़ेगा। समझ रहे हो, नास्तिक को महाभारत का ज्ञान क्यों देना है। ऐसी निगेटिव प्रोस्पेक्ट है वो, उसके सामने कितनी भी बड़ी आप हैंडलिंग लगा लो, कितनी भी बड़ी टेक्निक लगा लो, काम थोड़ी करेगी और कभी नहीं करेगी। आपको क्या करना है, पहले निगेटिव से पॉजिटिव में लाना है। नोट डाउन करो, पहले क्या करेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव में लाएंगे। आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको ऑब्जेक्शन दिया है वो निगेटिव है, अगर पॉजिटिव होता ज्वाइन कर लेता। समझ रहे हो, वो ऑब्जेक्शन नहीं देता, निगेटिव की पहचान ही यही है, उसने ऑब्जेक्शन दिया है। पहला रूल, पहला एक ही हथियार छोड़ना आपको, उस हथियार का नाम क्या है कि कैसा रहेगा, हाउ वुड इट बी अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बंदा कहेगा सर बहुत बढ़िया रहेगा, या मैम इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। देन उसको कहो ठीक है, अभी तो मैं बिजी हूं, मैं 15 से 20 मिनट बाद आपको कॉल करता हूं या करती हूं। क्लियर हो गया कि आपने क्या कहा, उसने कहा मेरे घर वाले नहीं मान रहे, आपने सीधा सा उसको आंसर किया
कि कैसा रहेगा अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बंदा कहेगा बढ़िया रहेगा, उसको कहो चलो बहुत बढ़िया, और कोई डाउट क्वेश्चन आपका या और कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है? बंदा कहेगा नहीं, अगर आ रही होगी सुन लेना। फिर उसको आपको कहना है तो टेंशन मत लो, डोंट वरी, जितना ज़्यादा शब्द का यूज़ करो उतना बढ़िया है, डोंट वरी आई एम ऑलवेज विद यू, इस प्रॉब्लम का बड़े आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। आपके घर वाले ही आपको कहेंगे कि जा बेटा काम कर, कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, मगर 15 से 20 मिनट बाद कॉल करनी है। इंस्टेंटली कॉल मत कर लेना, थोड़ा बिजी भी दिखाओ ना, समझ रहे हो? तो 15-20 मिनट बाद आपको कॉल करनी है। मैंने बताई ये चैट वाली बात। अब बात करता है बंदा आपके साथ कॉल पे आ गया, फिर क्या हुआ? अगर बंदे ने कॉल पे ही आपसे पूछ लिया, है ना, पहले तो चैट का तो बता ही दिया, अगर कॉल पे कोई आपसे पूछ ले कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, आपको वो यही टेक्निक लगा दो, वो भी कि कैसा रहेगा अगर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसके अलावा तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है। लिख लो एक एक शब्द वीडियो पॉज करके, ठीक है? फिर प्रोस्पेक्ट कहेगा नहीं इसके अलावा क्या डाउट है। क्वेश्चन हमेशा हमेशा वो पूछना, रिपीट अगेन, क्वेश्चन हमेशा वो पूछना जिसका आंसर आपको पता है सामने से क्या आने वाला है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत पूछ लेना जिसका आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला क्या जवाब दे दे। अब मैंने क्या कहा कि कैसा रहेगा अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बंदा क्या कहेगा? बढ़िया ही रहेगा। ऐसे थोड़ी कहेगा घटिया रहेगा, बढ़िया ही रहेगा, तो मुझे पता है सामने वाला क्या आंसर करेगा। फिर देखो मैजिक होगा। अब क्या आया, उसने कहा ठीक है सर बात समझ ली, अब बताओ कैसे होगा। पहली चीज, या अगर वो आपको गोली दे रहा है, या तो पहली कंडीशन ये है या पहला आंसर ये है, पहला सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको इस ऑब्जेक्शन का, उसको कहो एक काम करो आप अपने पेरेंट्स से है ना मेरी बात करा दो। ये पहला फॉर्मूला है, सबसे बेहतरीन मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। उसको कहो कि तू मुझे अपने पेरेंट्स से मेरी बात करा दे आज शाम को। देखो पेरेंट्स से बात करने में फटनी नहीं चाहिए, आई एम सॉरी मैं ऐसे शब्द यूज़ कर रहा हूँ, बट रियल होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि अंदर कुछ और हूँ बाहर कुछ और हूँ, जो है क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है? कौन दूध का दूल्हा है, कोई नहीं है। बात सुनो, आप मुद्दे पे चलते हैं, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर क्या ध्यान दे रहे हो, मुद्दे पे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं कि बात ये आई, उसके घर वालों से बात कर लो, अगर आपका काम जेन्युइन है बात करने में क्या जाता है, अच्छी बात है। और घर वालों से बात करोगे ना ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी, क्योंकि घर वाले डिसीजन लेते हैं, जल्दी लेते हैं, ठीक है। मगर आप ऐसे हो, आप घर वालों से बात नहीं करना चाहते, या प्रोस्पेक्ट आपकी बात नहीं कराना चाहता, अगर प्रोस्पेक्ट कह रहा है नहीं सर मैं बात नहीं करा सकता, इसका मतलब वो गोली दे रहा है, उसने घर में बात ही नहीं की, ठीक है। अगर वो 2 दिन का टाइम ले रहा है, 3 दिन का ले रहा है, इसका मतलब ये है वो घर में पूछेगा, उसने अब तक पूछा भी नहीं है। मगर फिर भी जो भी हो बात कर लो, तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। अगर बात नहीं करी तो मेरी सुनो, फिर क्या तीर लगाना है, अगर आप बात करना नहीं चाहते प्रोस्पेक्ट से, कुछ लोग डरते भी हैं, मैं बताता हूँ फिर क्या करना है। फिर उसको कहना अच्छा आपके घर वाले नहीं मान रहे, वो कहेगा बिल्कुल, एक एक शब्द नोट डाउन करना। उसको कहो चलो ठीक है मैं आपकी बात बड़ी अच्छे से समझ गया, एक बात बताओ क्या आपने एक इंग्लिश गाना सुना है डेस्पेसिटो? बंदा बंदे को कहो क्या आपने एक इंग्लिश गाना सुना है डेस्पेसिटो? वो कहेगा हाँ या ना, जो भी कहेगा, तो कहो चलो बहुत बढ़िया। अगर वो हाँ कहे तो अच्छी बात, अगर वो ना कहे उसको कहो सुनना कभी, इंग्लिश गाना है उस पे जो व्यूज है वो 1 बिलियन से ज्यादा है, कितने 1 बिलियन से ज्यादा है, और वो गाना अपने पेरेंट्स को सुनाना और उनको कहना देखो गाना कैसा है, पूछना उनसे वो क्या कहेंगे। बंदा कहेगा कि उनके तो समझ ही नहीं आएगा। उसको कहो अगर घर वालों को इंग्लिश गाने सुनाओगे घर वालों को समझ नहीं आएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं। अगर आप घर वालों को ये बताओगे जो जिसकी नॉलेज उनको है ही नहीं, तो वो तो उस चीज़ को बुरा बताएंगे ना। यानी अगर मुझे आज एक्टिंग की नॉलेज नहीं है मैं तो एक्टिंग को बुरा बताऊंगा ना, अगर मुझे आज डांसिंग की नॉलेज नहीं है तो मैं डांसर्स को ऐसे बताऊंगा ना विल्ले कुछ नहीं होता यार, अपना सेल्स के अंदर प्रोफेशन बनाओ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन तो सेल्स है ना, मैं तो फायदा उसी के बता सकता हूँ। ऐसे ही हमारी फैमिली के साथ होता है। तो उसको आपको कहना है कि जब आप इंग्लिश गाने अपनी फैमिली को सुनाओगे तो वो मना क्यों करेंगे, उनको बढ़िया क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, या उन्होंने इंग्लिश म्यूजिक उनको पसंद नहीं है, या उन्होंने ज़िंदगी में कभी सुना नहीं है, इसलिए उनको वो चीज़ बेकार लग रही है। क्या वो चीज़ रियल में बेकार है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर 1 बिलियन व्यूज़ है और रोज़ पता नहीं कितने हज़ारों लाखों लोग उसको सुनते हैं, बहुत फेमस गाना है, वर्ल्ड फेमस गाना है। उसको कहो दूसरी चीज़, एक बात और बताओ मुझे कि आप घर वालों को ये कहो कि सोशल मीडिया पे कोई भी बंदा 5 मिनट के अंदर 5,000 रुपये कमा लेता है। आपके घर वाले कहेंगे पागल बना रहा है, मगर 5 मिनट में 5,000 कोई बंदा कैसे कमाता है? आपने इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे देखे होंगे, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वे होते क्या है, वो एक स्टोरी प्रमोशन करने का है ना, 2,000-5,000-10,000 चार्ज कर देता है। हाँ या ना वो कहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब आप ये, जब आपको पता है कि वो चार्ज करता है आपको तो विश्वास है, मगर घर वालों को क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है,
और अगर आपको आपके घर वाले फिर भी आपको मना करते जा रहे हैं मत कर ये कर, तो सीधा सा मतलब ये है कि आपने ज़िंदगी में अब तक कुछ उखाड़ा नहीं है, मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर आपने अब तक ज़िंदगी में कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है कि आपको घर वाले सपोर्ट करें। फ्रेंकली चीज़ें बताओगे बढ़िया, उसको कहो कि अगर आज भी आपने कुछ नहीं किया ना, सोचने वाली बात है, अगर ज़िंदगी ऐसे सर्वाइव करती रह गई, आने वाले टाइम में बड़े बड़े डिसीजन भी तुमको लेने पड़ेंगे, तो शायद तुम वे भी ना ले पाओ कहीं ना कहीं। उसको कहो ये जो टाइम है ना, ये घर वालों को यकीन दिलाने का टाइम नहीं है, ये घर वालों को प्रूव करने का टाइम है। घर वालों को यकीन ये नहीं दिलाना कि काम कितना बढ़िया है, आपको खुद यकीन हो गया ना, आपको क्लियर हो गया ना, बात ही खत्म होगी। और आखिरी में मेरी फेवरेट लाइन उसको कहनी है ये सारी चीजें कहने के बाद, और भाई देखो यार सीधी सी बात है, करने वाला रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम रास्ता निकाल लोगे। अब क्या हुआ, आपने ऑब्जेक्शन हैंडल किया, समझ गए, जो मैंने पूरी कॉन्वर्सेशन बताई इसको पीछे वीडियो कर करके देखते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक शब्द नोट डाउन कर लेना है, प्रोस्पेक्ट को एग्जैक्टली बोलनी है, कोई एक आध लाइन ऐसी ऐड मत कर देना उठपटा, कभी पंगा हो जाए, जो बताया वो इंप्लीमेंट करना। दूसरी चीज, ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिया, उससे पहले एक चीज का ध्यान और रखना, जब भी प्रोस्पेक्ट आपसे ऑब्जेक्शन पूछे एक हंस देना ऐसी, जैसे किसी ने एक बार मेरे से पूछा सर मेरे पास पैसे नहीं है सर मैं करना तो चाहता हूँ, मैं क्या नहीं आपके पास, मुझे बड़ी हंसी आ रही है यार, तो हुआ क्या, बंदे का कॉन्फिडेंस चूर हो गया, भले ही वो कितना मोटिवेट फील कर रहा हो, वो सोच रहा होगा सामने वाले को दबा दूंगा ये कर दूंगा, प्रोस्पेक्ट का पूरा तेल निकल गया एक सेकंड के अंदर, पूरा मोटिवेशन ढीला हो गया, क्यों, मैं हंस दिया। आपने बड़े बड़े सेल्समैन होते हैं जो कहते हैं कि अरे ये फ्रिज जो है आप फ्रिज लेने जाना, जो अच्छा सेल्समैन होगा वो बताऊँ क्या करेगा, आप कहोगे तो फ्रिज महंगा है, वो बताऊँ क्या करेगा, वो हंस देगा, अरे सर क्या बात कर रहे हो, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। रियलिटी बता रहा हूँ, आप कपड़ों की दुकान पे देख लेना, किसी भी दुकान पे देख लेना जहाँ सेल्समैन होते हैं, जो अच्छा सेल्समैन होता है वो प्राइस की बात सुन के हंस देता है। अब हंसने से ये बात सामने वाले को जाहिर हो जाती है कि उसने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, समझ रहे हो, सामने वाले के माइंड में क्या जाता है साइकोलॉजी के थ्रू कि उसने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं। आप टीचर से कोई आसान क्वेश्चन पूछ लो, आप 12th के अंदर हो और आप टीचर से पूछ रहे हो कि सर 2 7 कितने होते हैं, अब उस केस के अंदर क्या होगा 2 7, टीचर हंसेगा क्या करेगा, आपको बताएगा थोड़ी पहले, वो हंसेगा, समझ रहे हो, क्योंकि जब कोई भी छोटा क्वेश्चन पूछता है या ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो वैलिड ही ना करता हो, यानी जो पूछना नहीं चाहिए, उसमें सामने वाला हंसता है, आपको भी हंसना है, आपको बताना ये ऑब्जेक्शन है ही नहीं। और फिर देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने कर दी, अब दूसरी चीज, केवल ये चीजें बोलने से बंदा ज्वाइन नहीं होगा, क्या कहा मैंने, सिर्फ यही चीजें बोलने से कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं करेगा, इसके बाद में आपको जो लगानी है वो अर्जेंसी, क्या लगाना है, अर्जेंसी। आपने सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर कर दी, आई एम ऑलवेज विद यू यार, टेंशन मत लो मैं बैठा हूं, बाकी मुझे पता आप घर वालों को मना ही लोगे, अपनी अर्जेंसी डाल दो, जो भी आपकी अर्जेंसी है, चाहे वो पर्सनल मेंटरशिप की है, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग की है, चाहे वो आपकी कंपनी में कोई ऑफर चल रहा है, चाहे आप उसको लीड्स देना चाहते हो, ये सबसे बड़ी अर्जेंसी मैं जानता हूँ, इसके ऊपर मैं प्रॉपर अर्जेंसी के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, अगर चाहते हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। कोई भी अर्जेंसी डालो, अपनी अर्जेंसी डालो, और अर्जेंसी जो होनी चाहिए वो 24 घंटे की होनी चाहिए या 48 घंटे की होनी चाहिए, कभी भी 6 की अर्जेंसी मत देना, ना 7 की ना 10 की, केवल 24 48 घंटे। बंदा कह रहा है 3 चाहिए, नहीं भाई 24 48 घंटे, खड़े रहो अपने बात पे, ठीक है। अब आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दी और उसमें अर्जेंसी जोड़ दी एकदम, तब बंदा ज्वाइन करेगा, क्या कहा, पहले निगेटिव से पॉजिटिव किया, फिर बता रहा हूं, पहले निगेटिव से पॉजिटिव किया, पॉजिटिव आदमी के ऑब्जेक्शन हैंडल किए, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद अर्जेंसी लगा दी, और बंदा रेडी, जो करने वाला होगा वो बता देगा, और जिसको नहीं करना होगा वो जिंदगी में कभी नहीं करेगा, और करेगा तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लगाओ, और गारंटेड बता रहा हूँ, कोई ऐसी नहीं कि कोई कॉपी कोटेड बात कर दी मैंने कि ऐसे ही बता दिया कहीं से भी कॉन्टेंट उठा के, नहीं, ये एक्सपीरियंस से चीज़ें बताइए, एक्सपीरियंस मैटर करता है, ये चीज़ें लगाओ। कोई चीज़ कोई बंदा शेयर नहीं करता अपने सीक्रेट, मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए, मोटिवेशन देना मकसद नहीं है, रिजल्ट आना चाहिए। और एंड में एक ही चीज़ बता रहा हूँ कहीं ना कहीं, कि इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे, इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहे, सब लोग कह रहे हैं सर आपने तो लीड्स की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी मेरी,
क्योंकि मैं एक कोर्स लेके आ चुका हूँ, लीड्स मैजिक कोर्स। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, इसमें भी आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अब तक वो लीड्स मैजिक कोर्स नहीं लिया है तो इस वीडियो के व्यूअर्स को मैं वो डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा हूँ, 200 रुपीज़ में। जी, 2000 का कोर्स सिर्फ 200 रुपये में दे रहा हूँ, ताकि आपकी लीड जनरेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी तभी करोगे जब लीड्स होगी। अगर 100-200 लीड दिन की मिल जाए बहुत बढ़िया रहता है। तो वही फॉर्मूला मैंने कोर्स के अंदर बताया है कि ऑर्गेनिकली बिना एक पैसा इन्वेस्ट करे आप कैसे ऑर्गेनिकली 200 से 300 लीड जनरेट करोगे। कितनी? 200 से 300। तो अगर कोर्स नहीं खरीदा है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लीड्स मैजिक कोर्स लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, परचेज करो, आपके पास कोर्स मेरी टीम पहुंचाएगी। ठीक है, सो ये करो। थैंक यू सो मच। तो मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर, लव यू।